इसके बाद इस तंजीम को जनाब कामतुल्ला साहब ने और यारी कर ली। नया कश्मीर बोल तो क्लियर कत यम तुह गामजनी थो तुह तुक जवाब। नया कश्मीर क्या वही नया कश्मीर है जिसमें आप एजुकेशन से ज्यादा शराब की दुकानें खोलना चाहते हो? क्या मेरे लोगों को नया कश्मीर ये चाहिए? अच्छा ही नो कश्मीर जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें नया कश्मीर क्या यही कश्मीर है जहां पे 34% 34% यूस वीकेंड्स बेरोजगारी से? क्या हमें ये नया कश्मीर चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें पुराना ही कश्मीर चाहिए जिसमें आजादी थी खाने की, हम खा सकते थे मर्जी अस इस खेमो बड़माज खेमवा रिश्त खेमवा गुस्ताब खेमवा परी मर्जी अस। आज उस पे कदमने लगा दी गई है। हमें पुराना ही कश्मीर चाहिए जिसमें हम निकलते थे बाहर अपनी माँ बहनों के साथ उसे जबर नेरा। हमें पुराना ही कश्मीर चाहिए जिसमें बेरोजगारी इतनी नहीं थी कि जो जड़े हैं टंग बरक में पूरे कश्मीर में जम्मू कश्मीर में इतनी मजबूत है वो आपके तालियों से सबको पता चलेगा। सो सभी का मुबारक हो। एक शेर अर्ज करना चाहता हूं आपके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बरकरार के लिए, मेरा शेर आपके लिए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी इनके दर कभी दर्ब दर कमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। आए हैं आज खुसूसी दावत पर हमारे जिला सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर सजाद शफी साहब जो उड़ी के से तशरीफ रखते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत ही कदावर लीडर मोहम्मद शफी उड़ी साहब के फर्जंद अर्जुमंद भी हैं। इसीलिए मैं अपनी तरफ से फारूक साहब की तरफ से कहता हूं, हम यहां के रहने वाले हैं तो इसीलिए सजाद साहब आज इस महफिल की सदारत संभालेंगे। बिकाज़ आस यतुत कि पर्पस क्या छु आज फारूक साहबस तो मे ये कन्वेंशन थावन खातर ये गज तो बड़ वाजिया गसुन तवे हुत मे ये जित सदन वानु। बुछुस खुसूसी तौर इमते सदरी ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्दन वन ब नाव के साथ छ ऐसे हल्के इंतखाब टंगमर्गस तत् सत ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तिज कमेटी मेम्बरान तो बेई गो अख चीज अख उस नो डिमार्केशन गई ओत्र हदबंदी यत तुई वनान छु कर तो तिम हदबंदी इरविन नाव तिम थो कल एकी जाय जंग वातनवन बेकिस जाय ये अत थोवन एकी जाय दि थोवन दोचुन थोवन बेकी जाय ई क्याज थोवन यह यम गर्ज खातर कि कित करो नेशनल कॉन्फ्रेंस दि तरबेतर मगर रबुल आलमीनस चुन तिम मंजूर क्या रबुल आलमीनस फतह दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और नुम हरब नुम ग पानी जम्मू और कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब शौकत साहब आप और हम अल्लाह ताला आपको अपनी हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे
और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा हमारे कैंडिडेट फारूक शाह साहब एक थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आए और उन कुवतों को आप लोग जवाब देंगे जो वक्तन फोक्तन अपने मुफाद के लिए कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में आपको ले चलते हैं, लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। उनको ये दिखाना है कि कश्मीरी अवाम बिकाऊ नहीं है, हमारा एक नज़रिया है, हम नज़रिए की सियासत करते हैं और जम्मू और कश्मीर वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है जो नज़रिए की सियासत करती है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी और जम्मू और कश्मीर के अवाम को इकट्ठे लेके चलेगी, उनके तशख्स को लेके चलेगी, उनकी इज्जत को लेके चलेगी, उनकी आज़ादी को लेके चलेगी, उनके स्टेटहुड को लेके चलेगी, उनको 370 को लेके चलेगी। मैं आप लोगों का आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आखिर में दो तीन नारे दूंगा लेकिन आप दो तीन नारों का जवाब इस जोरदार तरीके से देंगे कि हमारे हरीफीन को ये पता चले कि यहाँ जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन था। यहाँ पे फरोग दिया जाता है कि ताकि हमारा मैंडेट जो है ये कटे, हमारा मैंडेट जो है ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो और जो अजायम उनके हैं वो उन अजायम में पूरे हों। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन इलेक्शन नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी का मसला है, हमारे तशक्कुस का मसला है, हम सबको इकट्ठा होना है। आज हमने यह नहीं देखना है कि मेरी लड़ाई किसके साथ है, मेरी जाती लड़ाई किसके साथ हुई है, मेरी दरख्त की लड़ाई है, मेरी जमीन की लड़ाई है, मेरे मोहल्ले में लड़ाई है या मेरे गांव में लड़ाई है, उन लड़ाइयों को हमने इस वक्त नहीं देखना है। हमने यह देखना है कि कौन सी जमात 370 को 3500 को वापस लाने की कोशिश कर रही है, कौन सी जमात हमारे तशक्कुस को बचाएगी, कौन सी जमात है जो इस आइडेंटिटी को कायम रख सकती है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जो पीर पंजाल से लेकर चनाब वैली और चनाब वैली से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर तक कायम है। 47 सीटें यहां पर हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, अगर उसको मैं रिपोर्ट को हम देखें वो टोटली फॉल्स रिपोर्ट, क्योंकि जब भी डिलिमिटेशन होती है कंट्री के अंदर तो आप देखते हैं कि पॉपुलेशन को लिया जाता है। हम किसी रीजन के खिलाफ नहीं है लेकिन पॉपुलेशन में कश्मीर जो था 15 लाख आबादी 2011 के सेंसस में 15 लाख आबादी जो थी वो ज़्यादा थी जम्मू के मुकाबले में। तो सीटें जो 7 बढ़नी चाहिए थी वो 5 यहाँ बढ़नी चाहिए थी, 2 वहाँ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने यहाँ सिर्फ 1 सीट बढ़ाई और 6 सीटें वहाँ पर बढ़ाई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात नहीं है जो किसी एरिया में या किसी इलाके में सिमट करके रह गई है। और इंशाल्लाह रबुल अजीम जब भी इलेक्शन होंगे, अब पीर पंजाल वालों ने भी ये तय किया हुआ है, चनाब वैली वे ने भी ये तय किया और जम्मू वाले भी आज ये मानते हैं कि 370 को जो फायदा था वो जम्मू को ज़्यादा था कश्मीर के मुकाबले में। आज जम्मू वालों की रेत, बाजरी, ईंटें, भट्टे, इंडस्ट्रीज सब जो है वो पंजाब की तरफ जा रही। आज जम्मू वालों को पता चल रहा है कि 370 का जो ऐलान महाराजा हरि सिंह ने किया था वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं किया था, वो जम्मू और कश्मीर के लिए किया था और जम्मू को उससे ज्यादा फायदा था। रूहे अमम की हयात कश्मकश इंकलाब, जहां भी सदर महफिल, सदर जिला सजाद शफी साहब, जनाबी शौकत साहब सेक्रेटरी सोबा, सैन सीनियर मोस्ट लीडर इंचार्ज टंगमर्ग जनाबी फारूक अहमद शाह साहब, जनाबी सदर ब्लॉक टंगमर्ग अब्दुलरजाक साहब, अशियती खुई ब्लॉक सदर ब्लॉक जनाबी मोहम्मद सुबान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अश नश चेंज कर सत्य जुल्म तो तशद शिकार गमित अमु तस्कुर कुर शौकत सबन मुतल मे वस सी तकरीर कर
बस आज योर अमे मूजूब कि इन तो आपकी गलत फहमी आस मा पे वोगुर ग कह मे वन तुम सात बामयाब कुरुश या कह कैंडिडेट तेल बन फारूक सब पगह मिनिस्टर और फारूक सब हेको तुम रटित तुम्हे वोगुर इन जरूरत कह तुम ग ख्याल थो तुम फारूक सब जेनान योत कहें दह एम एल एसो दान खान सब फारूक सब मिनिस्टर तुम नीरन ज्यादा तुम कर तुम हेड आफिस पे शौकत सब मजबूत हेड आफिस पे कर जानो तत् फ्र सान वन कि अनु ई सीट डिस्ट्रिक्स मं सजाद सबस तो इज्जत सजाद सब तन पगह मिनिस्टर तुम वोगुर वात कन्फ्यूजन अख पैद आमुत कर क्या वलुक खपोरुक नम्बल नारुक तो बा गाम कपर वात तौर यह पोज जुलम कोरुक शुभ है नें अगर डिलिमिटेशन तकदस तिम बहाल उस कर पजे तिम खोई ब्लॉक त्रा सोपोर सत हर कुन थव तो मुमकिन कह व मगर बदकस्मती तमो कोर नें तमो कोर अको चीज अस कित पिखरवो नेशनल कॉन्फ्रेंस वोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्टर इम ग कन्फ्यूजन शिकार मगर अस दिन जन मगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अस हम टंगमर्ग नीश टंगमर्ग वोटर सपोर्टर तहजीब तरीकार एम से बाक मन रहनुमाई करम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं ला यमकिन सना कमा कान हकहू बादज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्म अक्सर सदकल्ला मौलाना नज़ीर। मेरे भाई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब शौकत अहमद मीर साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला जनाब डॉक्टर सजाद साहब इंचार्ज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रीरी वागुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जनाब मोहम्मद याकूब वानी साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट टंगमर्ग हाजी अब्दुल रजाक साहब रहमतुल्लाही वरकातुहु शौकत साहबन कर वजाहत अच मजलिस कि अस क्या समे आज ये मकसद उस कि यम सारिया गाम यम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं क्रीरी तो वागुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी सत गए तम समखाव मोहतरम याकूब सबस तम करो गुजारिश कि इत कॉन्स्टिट्यूएंसी मज कर असू साथ दिवान तिथे कन दियो मोहतरम याकूब सबस मे खुशी अस वर्कर खास बुलम खईपुरा ब्लॉक तो टंगमर्ग ब्लॉक तम गगर बाको ब्लॉको पे आये पे खुशी योर वह वर्कर तो सारे मुबारक शुक्रिया योत तालुक यमें कॉन्स्टिट्यूएंसी हम तुम सारे पता कतान गर निश गो तम नफर समझो ये सदन मीन आसो जरूरत मे पे गुन मे वो तुम आज ये जाए बहु तैयार मगर पान नीरू पान करो तुम मेहनत करो जल्द जुलूसन पे यकीन थे
अत मे गामस मज ग लुकन निश ग अद पानस वनस खुदा तला दुम सह हवा नवा वन फर्स्ट क्लास प्रत जाए बो वो टंगबर्गी मज क्या कि इंशाल्लाह सानन उम्मीदवार सानन कामयाबी इंशाल्लाह तंजीम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अत पे सपोर्ट दिन अस पे सानन अत वोट दिन अपोजिट तम बाकिन तंजीमन मज तुम वस तैयार सपोर्ट दिन खुद मगर तुम कर सो ये तुम गु तुम नश ये तु कदम पको तुम पकन दह कदम तथ मे पेश रफ्त कर बाकी थो तुम अल्लाह ताला सलामत तुम सारे आबाद बुस बी तुह सारे शुक्रिया करान कि तुम कड़ो आज वक्त ये तीन मन तुम ओ योर ये मुश्किल तुल पत्मन अकवाहन वरियन मज तुम छो तुम सारे मालूम अगर कि सीट जन खुद सारे खुद सीरियस तो यमिस ख्याल गुन सह सोन वर्कर आ मे उम्मीद कि यम हिसाब सान वर्करों वम हिस्म कर इंशाल्लाह सान कामयाबी मेहनत मजूर मेहनत ये इंसान कर तेल अल्लाह ताला दिवान कामयाबी गरी मोन कह न चल मे नश कि कह नी गि दबि बहुत हल्के प्रेसिडेंट बहुत ब्लॉक प्रेसिडेंट सह दुख सह दिवान पनस पानस तोख सह दी तुम अस तुख खुदा लिहाजा कर मेहनत गरों मज नी बो नोत तम कर कहीं कत अस दु तुम सारी आव तह तो पन अल मगर यह जिम्मेदारी रटि तमिस जिम्मेदारी निभा अगर कह हल्के प्रेसिडेंट अगर कह देह प्रेसिडेंट अगर कह ब्लॉक प्रेसिडेंट अमिस हफ्त मं थोड़ा टाइम कड़न पनस गामस मज ग पनस हल्कस मज ग लुकन दिन दावत शौकत सबन करो तुम वजात कि अजुक इन वोल वोट आम इलेक्शन गो सो इलेक्शन सड़क खुद सो इलेक्शन कुनी नौकरी खुद सो इलेक्शन कुनी हस्पताल खुद सो चु तुम पन्नस इज्जतस वोट दिन लिहाजा तुम डिसाइड कर हेरी चुन यमा हुकूमत बन लुक बनावान यम सात लुक नेरन वोट पनुन त्रावन सुई बने यमिस तुम वोट दियो पत्चो वना तुम नाज वाज गो यह गो बुच रूदम डिप्टी कमिश्नर शौकत सब चुनम डिप्टी कमिश्नर आज ईवीएम कुछ जाए गीर टी ना अम ये पोलिंग बूथस मज य बटन मैं चाहता हूं कि जो डिलिंग टेंशन के बाद जो वागुरा करीरी को टोपोग्राफी के लिहाज से चेंज किया गया है और टंगमर्ग का इलाका उसके साथ जोड़ा गया उस लिहाज से हमें आउटरीच प्रोग्राम करना था तो हमने मुनासिब समझा कि एक कन्वेंशन जॉइंट बुलाएंगे यहाँ जो टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के दीगर जो नंबलनार कई पौरा वगैरह जो तकरीबन 20,000 वोटर्स की तादाद है जो वहाँ हमारे वागुरा क्रीरी में आ गए उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और उनको उनके साथ तबादला कर आइंदा प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी हम एक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ भी होगा वहाँ एक है चाहे कौन सा कैंडिडेट होगा कोई कैंडिडेट होगा ये जमात है ये कोई ये तहरीक है इसमें कोई फर्द का रोल नहीं होता है जहाँ पर कहीं होगा जमात की हैसियत से हम काम करते हैं। इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ बल्कि एक चीज़ को आप तो ज़्यादा ज़हीन है और आपको ज़्यादा मालूम भी होगा 84 में डिफेक्शन हो गया वो कल्चर यहाँ पसंद नहीं हुआ
आप ज्यादा समझदार हैं, आप खुद मतलब निकाल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर इलेक्शन में दिन का फैसला होगा, क्या लेंगे इसमें? एक छोटा आदमी, उसके में इस पर मैं क्या बात सकूँ। टंगमर्ग में एक कन्वेंशन रखा था खसूसी तौर पर ब्लॉक खहीपोरा और ब्लॉक टंगमर्ग का, क्योंकि जो रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू की उसके तहत हमारा एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें तकरीबन 12-13 विलेजेस हैं, टंगमर्ग से काट कर वागूरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक किए गए। इसीलिए फारूक साहब जो इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी टंगमर्ग है और याकूब साहब जो इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी वागूरा क्रीरी है, इन दोनों को एक जगह बिठाकर वर्कर्स जो प्रोमिनेंट थे वहाँ के ब्लॉक सुदूर हल्का प्रेसिडेंट देह प्रेजिडेंट, उनको इंट्रोड्यूस कराया याकूब साहब से, जो इलाके संग्रामा के इस वागूरा क्रीरी के साथ चले गए। और ये जो हमारे डॉक्टर शफी साहब सजाद साहब हैं, यह बहसीत खसूसी मेहमान यहाँ मधु किए गए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी। लेकिन जब जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, यह एक शब खून था, यह डिलिमिटेशन उसमें इलाके का, कंटिग्यूटी का, एरियाज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया, पॉपुलेशन का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जो हमारा यहाँ खाग है वो खान साहब के साथ मिलाया गया, जो टंगमर्ग में बाबा ऋषि पड़ता है उसको संग्रामा के साथ, जो हमारे इलाके अंदर है उनको कहीं बारामूल, जहाँ जहाँ इनको मर्जी लगी किन के कहने पर किया। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसम्मम इरादा करके है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे। जो हमने 370 के लिए रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है वहाँ भी लड़ेंगे, और वक्त आने पर पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठाएंगे। हुकूमतें कभी एक ही नहीं रहती है, कल वक्त आ जाएगा कि हमारी बात को सुनेंगे, सारा मुल्क सुनेगा, और इंशाल्लाह 370 और 35 ए को दुनिया की कोई भी ताकत ज़्यादा देर तक ख़त्म नहीं कर सकते है। बहरहाल लोगों के राय का एहतराम करना है मुल्क को और हमारी रियासत को। बाकी शुक्रिया। देखिए, ये प्रोग्राम जो है हमारा पार्टी की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं कि जो ऑलरेडी जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, डिलिमिटेशन में कई इलाके जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुके हैं। सो हमारा पहला जो मकसद ये है कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो एक इलाका जैसे आई टंगमर्ग में, टंगमर्ग और खई ब्लॉक जो है ये हमारा जो है करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ गया है, तो उनके वर्कर्स को जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं उनके साथ मिलाया जाए, उनके साथ एक उनकी आपस में ये कम्बिनेशन रहे, ताकि वो लोग जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें और पार्टी को मजबूत करें। और कन्वेंशन का यही मकसद था कि पार्टी को फाल और मजबूत किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि पार्टी के प्रोग्राम्स क्या हैं। और जैसे कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम डिलिमिटेशन कंप्लीट होने के बाद, समरी रिवीजन होने के बाद यहाँ पे स्टेटहुड भी वापस करेंगे और इलेक्शंस भी करेंगे, तो उसकी तैयारी का भी एक ये एक पहलू है, और उसी चीज़ को आगे मद्दनज़र रख के हमने जो है ये आज ये कन्वेंशन यहाँ पे टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का किया, ताकि लोगों को तैयार करें कि आने वाले इलेक्शन के लिए जब भी इलेक्शन हो वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। डिलिमिटेशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान पहुंचा है सर? देखिए, डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है ये टोटली फार्स है, क्योंकि डिलिमिटेशन थ्रू आउट द कंट्री जो होती है वो पॉपुलेशन के ऊपर होती है, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो हक कश्मीर डिवीज़न को मिलना चाहिए था, जो पॉपुलेशन थी यहाँ की, वो मिली नहीं है। बहरहाल डिलिमिटेशन ने की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो है ये एक किसी इलाके में या किसी एक रीजन में समिट करके नहीं है, ये जमात जो है वो जम्मू और कश्मीर पूरे इलाके में है, वो पीर पंचाल में भी है, चनाब वैली में भी है और कश्मीर में भी है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, ये जो फैसला है ये पार्टी हाईकमांड करेगी, ये वहाँ के जो हमारे जो लीडर्स हैं ये उनका फैसला होगा, जो उनका फैसला होगा हम एज ए पार्टी के सिपाही उसको तय करेंगे। शुक्रिया।